इंजीनियरिंग और फिजिक्स क्लास। तो स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 8 लेकर आ रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम और सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन यानी कि जो कूलम्ब्स लॉ जो जिसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताने के बाद उसका फॉर्मूला आया था एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया था कूलम्ब्स लॉ में और आज इसी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम और कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो उस सभी प्रॉब्लम को क्या करेंगे आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो क्या करिएगा इस वीडियो को इन सभी प्रॉब्लम को फील करने के लिए इजिली सॉल्व करने के लिए इस पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको इससे फॉर्मूले से रिलेटेड कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीबीएसई बोर्ड में या फिर एनसीईआरटी में सभी क्वेश्चन का समावेश करके इस वीडियो को बनाया गया है। सो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इफ सपोज दैट अगर आपने क्या किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 से लास्ट चैप्टर यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स तक का सभी वीडियो टिल दिसंबर तक इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं और बजाने की। तो वो भी कैसे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल और सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन और कुछ जेईई मेंस के भी क्वेश्चन के साथ अपलोड होगा। सो प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू लिंक जो लिंक होता है उसको शेयर करते रहिए जिससे मजा आता रहे जिससे ज्यादा व्यू आए जिससे ज्यादा वॉच टाइम आए जिससे ज्यादा सब्सक्राइबर गेन हो तो मजा आता रहेगा। सो लेट स्टार्ट द क्लास। ओके ओके फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीबीएसई बोर्ड एएल कोड है और 2019 से। ये क्वेश्चन आपको क्या कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को ज्यादा पूरा ब्रीफ नहीं राइट कर रहा हूँ बस शॉर्ट में राइट करूंगा जिससे आपको उस क्वेश्चन का मतलब समझ में आए और जब आप सैंपल पेपर को उठा के देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा इसलिए मैंने कोड के साथ राइट कर दिया है। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि आपके पास टू बॉल है ए एंड बी टू बॉल ए एंड बी विच हैव द चार्ज माइनस क्यू एंड थ्री क्यू रिस्पेक्टिवली यानी कि आपके पास दो बॉल है ए और बी है। बॉल ए पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है और बॉल बी पे क्या चार्ज है थ्री क्यू है। ये कम्स ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट जो बॉल है ये क्या होते हैं ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट ये क्या करते हैं दोनों बॉल को मैं कॉन्टैक्ट में लेकर आता हूं देन सेपरेटेड कॉन्टैक्ट में आने के बाद देन सेपरेटेड एट डी डिस्टेंस। दो बॉल है आपके पास एक बॉल ए है और सेकंड बॉल क्या है बी है इस पे चार्ज माइनस क्यू है इसके इस पे चार्ज कितना है थ्री क्यू है। इनको क्या किया गया कॉन्टैक्ट में लेकर आ गया है और कॉन्टैक्ट में लाने के बाद इनको डी डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया गया है। बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स हमारा कैसा होगा अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। ओके स्टूडेंट अगेन रिपीट द क्वेश्चन गिवन टू बॉल्स ए एंड बी विच हैव द चार्ज माइनस क्यू एंड थ्री क्यू रिस्पेक्टिवली एंड दे कम्स इन कॉन्टैक्ट एंड आफ्टर देन आफ्टर कॉन्टैक्टिंग इट सेपरेटेड ऑन द डिस्टेंस डी सो फाइंड द नेचर ऑफ द फोर्स यानी कि आपके पास दो बॉल है और एक बॉल पर माइनस क्यू चार्ज है और बॉल बी पे कितना है थ्री क्यू चार्ज है। इनको क्या किया गया कॉन्टैक्ट में लाया गया और कॉन्टैक्ट में लाने के बाद फिर इनको डी डिस्टेंस पर रख दिया गया। तो इनके बीच अब जो फोर्स लग रहा है फोर्स का नेचर कैसा है क्या वो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देखिए ध्यान से इसका सोल्यूशन। तो यहां पे चार्ज कितना है क्यू वन सपोज दैट माइनस क्यू है क्यू टू कितना है थ्री क्यू है। इनको कॉन्टैक्ट में जब लाया गया तो कॉन्टैक्ट में लाने का मतलब ये हो गया कि उनको स्पर्श करा दिया गया। तो स्पर्श कराने पर क्या होता है कि ईच बॉल पे जो चार्ज होता है दोनों का सम करके हाफ होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो बॉल है एक बॉल ए है एक बॉल बी है इस पे क्यू वन चार्ज इस पे क्या है क्यू टू चार्ज इनको कॉन्टैक्ट में लेकर आओ और जैसे इनको कॉन्टैक्ट में लेकर आओगे फिर इसके बाद आपसे पूछता है कि ये बताओ हर एक बॉल पे कितना चार्ज होगा तो क्या करना पड़ता था दोनों को एड करके टू से डिवाइड करना पड़ता था। तो ये करना है तो क्यू वन माइनस क्यू क्यू टू क्या है थ्री क्यू
तो आफ्टर कंडक्टिंग चार्ज ऑन ईच बॉल, हर एक बॉल पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये हमारा चार्ज कितना आ गया, Q1 कितना है माइनस Q प्लस 3Q अपॉन 2। तो माइनस Q प्लस 3Q कितना हो जाएगा 2Q, सो 2Q अपॉन 2, 2 कैंसिल। तो बॉल ए पे जो चार्ज आ गया स्टूडेंट वो कितना आ गया, क्यू आ गया, और बॉल बी पे चार्ज कितना आ गया, क्यू आ गया। और दोनों चार्ज कैसे हैं, लाइट चार्ज है, दोनों चार्ज कैसे हैं, लाइट चार्ज है। और जब दोनों चार्ज लाइट चार्ज हैं तो इसका मतलब फोर्स कैसा होगा हमारा, रिपल्सन होगा। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन। तो जो नेचर ऑफ फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल, यानी कि दोनों चार्ज क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे। तो अगेन ये क्वेश्चन कौन सा था, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ 2019 में, एयर कोड में। ओके, कोड एयर है, बॉल ए और बॉल बी है, इस पे चार्ज माइनस क्यू, उस पे चार्ज क्या है 3Q है, माइनस क्यू एंड 3Q, इनको क्या कर दिया गया, कॉन्टेक्ट में लेकर आया गया, इनको क्या कर दिया गया, कॉन्टेक्ट में लाया गया, और कॉन्टेक्ट में आने के बाद डिस्टेंस पर रख दिया गया। तो पूछ रहा है कि फोर्स का नेचर कैसा होगा, उसका जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो मैंने क्या किया, सपोज कर लिया कि Q1 पे चार्ज कितना है Q माइनस Q और Q2 कितना है 3Q, पहले बॉल पे सेकंड बॉल पे चार्ज, ये हो गया। अब इनको जब कॉन्टैक्ट में लेकर आया गया, कॉन्टैक्ट पे जो चार्ज होगा हर एक बॉल पे वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो गया। तो यहां पे Q1 कितना वैल्यू गिवन है, माइनस Q, और Q2 कितना है 3Q। तो इनको ऐड करिए, तो ऐड करने पर माइनस Q प्लस 3Q कितना आ गया, 2Q अपॉन 2, तो यानी कि चार्ज कौन सा आ गया, Q। और देख रहे हैं ये दोनों, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव है, पता चला पॉजिटिव, यानी कि हर एक बॉल पे प्लस क्यू, इसमें भी कितना हो गया प्लस क्यू। तो प्लस प्लस क्या करते हैं, चार्ज, लाइट चार्ज हो गए, और ये चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। यानी कि जो हमारा फोर्स होगा उसका नेचर कैसा होगा, रिपल्सन का होगा। ओके स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया है 2007 में, क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, फाइंड द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स इफ फर्स्ट Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट है, सेकेंड Q1 Q2 इज लेस देन 0। आपके पास दो चार्ज है, Q1 और Q2 है। क्वेश्चन ये है, सीबीएसई बोर्ड में आया 2007 में, कह रहा है आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है। तो जब दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा होता है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, और जब दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 0 से कम होता है, तो चार्ज का नेचर कैसा होगा। तो स्टूडेंट पहले थिंक करो, अपने दिमाग में, माइंड में सोचो ये बात कि आपके पास दो चार्ज है, उनका प्रोडक्ट, दो चार्ज है उनका प्रोडक्ट कब 0 से बड़ा होगा, जब वो लाइक चार्ज हो, बिकॉज प्लस प्लस तो प्लस वैल्यू आएगा, वो भी 0 से बड़ा ही होगा, माइनस माइनस दोनों को कर दो तो भी क्या होगा, 0 से बड़ा, माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस होता है, तो भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। यानी कि यहां पे दोनों चार्ज सेम साइन के होंगे, जब ये दोनों चार्ज सेम साइन का होगा, Q1 पॉजिटिव होगा तो Q2 भी पॉजिटिव, Q1 नेगेटिव तो Q2 भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो यानी कि यहां पे Q1 और Q2 ये कैसे चार्ज रहे होंगे, लाइव चार्ज रहे होंगे। तो जब ये Q1 और Q2 लाइव चार्ज रहा होगा, उसी की वजह से इसकी वैल्यू, जो प्रोडक्ट आया वो क्या हो गया, 0 से ज्यादा हो गया। तो लाइव चार्ज होने पर फोर्स कैसा होता है, रिपल्सन का होता है। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन का। अब यहां पे आके देखते हैं, यहां पे कब 0 से, देखो 0 से कम कौन होता है, नेगेटिव होता है, 0 से कम कौन होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव कब आएगा, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों कैसे चार्ज हो, अनलाइक चार्ज हो, यानी कि एक प्लस और एक क्या हो जाए, माइनस। तो ये दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, अनलाइक चार्ज। और जब चार्ज अनलाइक होगा तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 से कम आएगा, बिकॉज नेगेटिव आएगा। तो अनलाइक है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 नेगेटिव आएगा, और यहां पे प्रोडक्ट क्या आएगा, Q1 Q2
इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो जब अनलाइक चार्ज होगा तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, सो अगेन रिपीट द क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड 2007, फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स इफ फर्स्ट Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0। यानी कि आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 और एक क्या है Q2 है, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा होगा, जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा होगा, कब, दो कंडीशन बताना है आपको। पहला, जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 से ज्यादा हो। दूसरा, क्या हो, कम हो। तो 0 से ज्यादा कब होगा, जब दोनों चार्ज कैसे हो, लाइक चार्ज हो, और लाइक चार्ज होने पर उनके बीच कैसा फोर्स होता है, भैया रिपल्सन होता है, रिपल करते हैं। और Q1 Q2 जो होगा उसका वैल्यू 0 से कम कब होगा, जब दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ जाए, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ जाए, और जब निगेटिव वैल्यू होगा वो 0 से ऑब्वियसली कम होता है। तो यानी कि अनलाइक चार्ज है, ये पॉसिबल कब होता है, जब ये अनलाइक चार्ज हो, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, वो दोनों को आपस में अट्रैक्शन होता है, दोनों चार्ज, अगर अनलाइक चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ओके स्टूडेंट, सो फिर सवाल क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने रेफरेंस बुक से लिया, रेफरेंस से, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन दैट, मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन को, करेक्ट आइडेंटिकल स्फीयर, टू आइडेंटिकल स्फीयर है यहाँ पे, टू आइडेंटिकल स्फीयर है प्लस्ड एट आर इक्वल टू 0.90 मीटर इन एयर। आपके पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है, दो आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब ये होता है कि दोनों पे चार्ज सेम होगा, जितना चार्ज पहले वाले पे होगा उतना ही चार्ज दूसरे बॉल पे होगा, ये समझ लीजिए। आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब यही होता है कि दोनों बॉल पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो टू आइडेंटिकल स्फीयर प्लेस्ड एट आर इक्वल टू 0.90 मीटर इन एयर। मैंने क्या कर दिया था, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर को कहां पर रख दिया था, एयर में, कितने डिस्टेंस पर, 0.90 मीटर। इनको क्या कर दिया गया, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, इनको क्या कर दिया गया, कॉन्टैक्ट में लेकर आया गया। तो कॉन्टैक्ट में लाया, देखो, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड ऑन सेम डिस्टेंस, इनको क्या कर दिया गया, कॉन्टैक्ट में लेकर आया गया, और कॉन्टैक्ट में लेकर आने के बाद उसी डिस्टेंस पर रख दिया गया। तो जो नया फोर्स लग रहा है, जो नया फोर्स लग रहा है, करेक्ट, न्यू फोर्स 0.025 न्यूटन कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर। अगेन रिपीट टू क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। आइडेंटिकल मतलब क्या हो गया, सेम, इसलिए बोला यहाँ पर टू आइडेंटिकल स्फीयर, एक कितने डिस्टेंस पर रखी गई है, 0.90 मीटर पे, एयर में रखी गई है। ओके, इनको कॉन्टैक्ट में लाया गया और उसी डिस्टेंस पर रख दिया गया, तो जो नया फोर्स लग रहा है वो 0.025 न्यूटन। तो करेक्ट कैलकुलेटेड चार्ज ऑन ईच स्फीयर, हर एक बॉल पे चार्ज कितना होगा, तो आपको पता है कि हर एक बॉल पे जो चार्ज होगा बच्चों वो सेम होगा, हर एक बॉल पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। सो लेट्स सॉल्व इट क्वेश्चन। तो सपोज कर लो कि जो पहला बॉल रहा होगा उस पर चार्ज क्यू है, और दूसरे पे भी चार्ज क्या होगा, क्यू होगा, दूसरे पे भी चार्ज कितना होगा, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, आइडेंटिकल स्फीयर है, तो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट मिलाया गया, तो बोलेंगे आफ्टर कॉन्टैक्ट, आफ्टर कॉन्टैक्ट चार्ज ऑन ईच बॉल। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को सम करके हाफ कर दो, क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, टू क्यू अपॉन टू, कैंसिल, यानी कि चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, तो पहले पर क्यू था, दूसरे पे क्या था, क्यू था, कॉन्टैक्ट में लाने के बाद इनको ऐड करना पड़ा, तो उसे डिवाइड कर दिया, टू टू क्या हो गया, खत्म हो गया, तो कितना आ गया चार्ज, क्यू आ गया। तो अब नेट फोर्स जो लग रहा था, नया वाला फोर्स एफ न्यू, वो कितना होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो न्यू फोर्स कितना है, 0.025 K की वैल्यू होती है स्टूडेंट 9.0 × 10⁻¹। एक्चुअली में एयर में है, तो एयर में K की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, 9.0 × 10⁻¹ ही रख दीजिए। और Q1 कितना है, Q है, और Q2 भी कितना है, Q है, तो यहाँ पे Q इंटू आर कितना है, 0.90। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, आर इक्वल टू 0.90। तो इसको 0.90 मीटर है, इसको सही करो पहले, कितना हो जाएगा 9.0 × 10⁻¹। ये कितना मीटर आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, 0.90 मीटर गिवन है, तो इसको मैंने सेट कर दिया 9.0 × 10⁻¹ मीटर।
यहाँ पे वैल्यू पुट करो आर के प्लस पे 9 × 10⁻¹. 9 × 10⁻¹. सो 9 × 10⁻¹. ओके सो अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा. अच्छे से ध्यान समझिएगा, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, 1, 2, 3 प्लस को छोड़ के, तो 25 हो गया. और देखो जब डेसिमल को आप इधर खिसकाएंगे तो उतना पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. तो किधर भी खिसका रहे, 1, 2, 3, यहां पावर क्या हो गया, -3. ओके इज इक्वल टू 9 × 10⁻¹. क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर. इसका देखो स्क्वायर है बच्चों, तो 9 × 81 × 10⁻². तो 9 × 81 हो गया. और सुनो इसको अब यहां पे मल्टीप्लाई कराओ, 25 × 9 कितना हो जाएगा, 225 × यहां पे पावर माइनस है, यहां पे पावर क्या, -2. तो यहां पे कितना पावर क्या हो जाएगा, -5. ये कहां आएगा, नीचे आएगा, अपॉन 10⁻¹ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. इतनी लाइन समझ में आई कि नहीं आई. ओके सो पहले भी इसको सॉल्व करना और मैं समझा देता हूं. दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिनपे चार्ज कितना है, क्यू आइडेंटिकल की वजह से. इनको इतने डिस्टेंस पर रखा गया था, एयर में, वायर में रखा गया था. इनको लाया गया कॉन्टेक्ट में, और सेपरेट मतलब होता है अलग करना. उनको क्या कर दिया गया, उतने डिस्टेंस पर रख दिया गया. तो बताओ हर एक बॉल पे चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन था. तो क्यू को मैंने क्यू सपोज कर लिया, क्यू को मैंने क्यू सपोज कर लिया, आफ्टर कॉन्टेक्ट चार्ज ऑन ईच बॉल. तो हर एक बॉल पे कितना चार्ज होता है कॉन्टेक्ट बनाने के बाद या फिर लगाने के बाद, बताया तो मैंने ना, दोनों का एड करके 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को एड करके 2 से डिवाइड कर दो. देखो मैंने क्या कर दिया, दोनों को एड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 क्या हो गया, खत्म. तो कितना आ गया क्यू, तो आर इक्वल कितना गिवन है, 0.90 मीटर हो जाएगा, 9 × 10⁻¹ मीटर. तो न्यू फोर्स हो फॉर्मुला मैंने लगाया कि ये न्यू फोर्स इतना गिवन है, क्योंकि वैल्यू मैंने पुट कर दिया q1 q2 कितना है q. तो q स्क्वायर यहाँ पे हो गया, r की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर रख दिया 9 × 81, इसका पावर 2 हो गया. सो ओके स्टूडेंट, टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व. ओके तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 225 × ये प्लस ऊपर लग गया हो जाएगा माइनस, तो 10⁻¹ 10⁻¹ इज इक्वल टू q स्क्वायर. सो 225 × 9 × 5 = 15 q स्क्वायर. तो स्क्वायर कर लीजिए यहां पे कितना आएगा, 15 × 10⁻¹ प्लस माइनस इज इक्वल टू q. तो q का बेटर लिए अच्छे से ऐड करिए, प्लस माइनस 15 × 10⁻¹. ओके तो इसको और अच्छे से कर दें, प्लस माइनस 1.5 × 10⁻¹ हो गया. और इसी को हम बोल सकते हैं प्लस माइनस 1.5 μC, यानी कि जो चार्ज आया हर एक बॉल पे वो कितना आ गया, 1.5 μC. ओके सो इसका आंसर जो होगा क्यू कल टू प्लस माइनस 1.5 μC होगा. तो ये था स्टूडेंट, ओके क्यू कल टू प्लस माइनस 1.5 μC. ओके तो सेव टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 रेफरेंस से लिया गया है. क्वेश्चन है, टू चार्ज इज इन एयर, टू चार्ज इज इन एयर. दो चार्ज कहां पे हैं, एयर में हैं. और जब वो एयर में रहते हैं तो उस टाइम पे जो फोर्स लगता है, फोर्स एयर में, वो 1 N है. अब उनको क्या कर दिया गया है, इमर्स कर दिया गया दोनों चार्ज को. सिस्टम में कोई चेंजमेंट मतलब दोनों चार्ज को मैं उसी जगह पे ऐसे रखते हुए कहां पे डाल दिया, वाटर में. कहां पे, वाटर में डाल दिया गया, इमर्स इन वाटर. तो वाटर में डुबो दिया गया, जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 18. तो कह रहा है कि ये बताओ कि वाटर में फोर्स कितना होगा, फोर्स वाटर में कितना होगा, फोर्स वाटर में कितना होगा. तो शुरू क्या करना है, कुछ करना नहीं है आपको, नया कॉन्सेप्ट. आपको पता है कि एफ मीडियम में जो फोर्स होता है वो एफ अपान के होता है,
तो कुछ करना थोड़ी ना, यहाँ पे पुट कर दो एफ मीडियम, एफ कितना था एयर में 8, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट 80, फिनिश तो वहां पे कितना आ गया हमारा 0.1, सो एफ एम इक्वल टू 0.1 न्यूटन। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लग रहा था, एयर में जो फोर्स था आपका 8 न्यूटन था, 8 न्यूटन था, लेकिन जब एफ एम में गए तो आप फोर्स कितना लगे मीडियम में 0.1 न्यूटन। तो इससे चीज मुझे पता चल रहा है कि अगर आपका कोई दो चार्ज है उनके डिस्टेंस में चेंजमेंट किए बिना अगर आप एयर से किसी मीडियम में लेकर जाते हो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑब्वियसली कम हो जाती है, मीडियम में फोर्स कम होता है कंपैरिजन टू एयर। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन, हरियाणा बोर्ड गिवन क्वेश्चन, अफ्री पिच बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5×10⁻¹ कूलम्ब्स, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिच बॉल बी फिट 5.0 सेंटीमीटर बिलो फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। क्वेश्चन को समझते हैं और इसको फिल करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक पिच बॉल ए है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिच बॉल ए है और इस पिच बॉल ए पर जो चार्ज है, यहां पे मैं राइट कर दे रहा हूं, जो पिच बॉल ए है उस पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस 5×10⁻¹ कूलम्ब, और इसका जो मास है स्टूडेंट वो है आपका बॉल ए है, मास इसका है 5 ग्राम, मास कितना इसका 5 ग्राम। कह रहा है कि इसके नीचे क्या कर दिया गया, एक बॉल को रखा गया, वो बॉल बी है। इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा जैसे ये दोनों बॉल, सॉरी ये जो बॉल ए है वो कैसा रहे स्टेशनरी। अगेन रिपीट, इस पे जो चार्ज है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज है। कह रहा है बॉल ए का मास कितना है 5 ग्राम। अच्छा बॉल ए का मास कितना है 5 ग्राम, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका वेट एम जी कहां वर्क करेगा, नीचे वर्क डन होगा, एम जी हमेशा कहां काम करता है, नीचे काम करता है। ओके तो कह रहा है इसका जो यहाँ पे चार्ज रखा गया, जो सेकंड चार्ज यहाँ पे बॉल बी है, इस पर जो चार्ज होगा उसका नेचर कैसा होगा जिसकी वजह से ये बॉल नीचे ड्रॉप ना करे, ये बॉल कैसा रहे स्टेशनरी रहे। तो ये बॉल स्टेशनरी कब होगा, जैसे इस पर एक फोर्स कहां लग रहा है एमजी, नीचे की ओर लग रहा है, तो अगर उस पर एक फोर्स कहां लगने लगे, ऊपर लगने लगे, तो अगर उस फोर्स के ऊपर लगने से बॉल क्या हो जाएगा स्टेशनरी हो जाएगा, यानी कि जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। और फोर्स का रिएक्शन ऊपर कब होता है, जब इधर चार्ज क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, लाइट चार्ज होगा तभी ना ऊपर फोर्स लगेगा रिपल, तभी तो रिपल फोर्स होगा, ऐसे ऐसे करेंगे। अगर उनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा नेगेटिव कर दोगे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया अगर सपोज दैट, अगर ये बॉल क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव के होने की वजह से क्या हो गया उनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा, और अट्रैक्शन होने पर बच्चों बॉल क्या हो जाएगा गिर जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स भी इधर हो जाएगा, एमजी भी इधर लग गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा हो गया, तो बॉल क्या हो जाएगा नीचे ड्रॉप कर जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसको स्टेशनरी रखना है, तो स्टेशनरी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बॉल ए को, बॉल ए पर जो फोर्स लगना चाहिए वो कहां लगना चाहिए ऊपर की ओर। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना था, इनके बीच का सेपरेशन कितना था, आई थिंक 5.0 सेंटीमीटर, ये जो दिया डिस्टेंस 5.0। तो अब क्या कर लीजिए, इस पे सपोज कर लो चार्ज कितना है क्यू है, इस पे चार्ज क्या है क्यू है, पॉजिटिव भी होगा तो नेचर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, वो कितना है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा एमजी, एमजी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या कर दो वैल्यू पुट करो, मास कितना गिवन है 5 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 5×10⁻³, और जी के पहले बच्चों में क्या पुट कर रहा हूं 10, कितना पुट कर रहा हूं मैं 10 इज इक्वल टू के कितना होता है 9.0×10⁹। क्यू वन कितना गिवन है बॉल ए पे 5×10⁻¹, 5×10⁻¹, और क्यू टू क्या है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 5.0 सेंटीमीटर, इसको चेंज करो मीटर में तो क्या हो जाएगा 5×10⁻², इसका स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने पर क्यू की वैल्यू कितना आएगा उसको आप कमेंट में करके बताइएगा। ओके तो ये आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द सम स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल।
अगर जो लेक्चर होगा फिर न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड होगा। अभी मैंने इस लेक्चर में क्या किया, फाइव न्यूमेरिकल करवाए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर फाइव न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, वो स्टैंडर्ड लेवल पूरा। ओके, थैंक यू।